गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ राम बाबू सिंह और आप देख रहे हैं राम बाबू सिंह ब्लॉग एंड ब्यूटी। दोस्तों स्वागत है आपका अनदर ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज थोड़ा सा लेट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, उसका कारण है कि मैं सुबह उठ कर के खेतों पर चला गया और फ़ोन घर में चार्ज में लगा गया था, तो मैं बनाया नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा एक्चुअली। जब मैं आज निकला यहाँ से झांसी जा रहा था तो मैं बोला क्यों ना चलो ब्लॉग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कंटेंट आप में कलेक्ट कर सकते हैं। चलो जो कंटेंट कलेक्ट करेंगे वो आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अब झांसी की तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ से 20 किलोमीटर झांसी है, गाँव से हम निकल आए। झांसी बहुत भीड़ है यहाँ पर, तो चलो वो फ़ोन की बैटरी चेंज करवा के आते हैं क्योंकि यहाँ तो भीड़ है, यहाँ लगेगा टाइम। वो बोल रहे हैं 4 बज जाएंगे, 4 बजे तक यहाँ रुक करके हम क्या करेंगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं और जाते हैं ओप्पो सर्विस सेंटर पे और फ़ोन की बैटरी चेंज करवा के लाते हैं। यार यहाँ पे एक ए टी एम एक भी चालू नहीं है। जिस एटीएम में जा रहे हैं वो एटीएम बंद है, एटीएम की सर्विस ठप हो रखी है ऐसे लग रहा है आज तो। यहाँ पे 3-4 ATM थे, वो भी सारे ATM बंद हैं, तब यहाँ से पैसे भी नहीं निकल पाए। चलो देखते हैं कोई दूसरा ATM देख करके और फिर वहाँ से पैसे निकालेंगे, फिर वहाँ से आगे सर्विस सेंटर पे जाएंगे और इसकी फ़ोन की बैटरी चार्ज चेंज करवाएंगे क्योंकि फ़ोन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस होने लगी है। गाइस हम आए थे फ़ोन की बैटरी चेंज करवाने, लेकिन बैटरी चेंज नहीं हुई, यहाँ भी लॉन हो गई। जाने आज क्या हो रहा है, जहाँ भी जाओ यहाँ बैटरी नहीं, वहाँ गए वहाँ पर भीड़, तो हर जगह ऐसे ही हो गया है। चलो अभी मार्केट दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो ये झांसी का किसान मार्केट और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई है, तो बहुत प्यारा मार्केट है ये। ये देखो शायद ये देखो बहुत प्यारा मार्केट है, बहुत अच्छा लगता है इसमें आकर के। ये देखो भाई कितना अच्छा मार्केट लग रहा है, साइड भी दुकान साइड और स्पेस बहुत है इसमें। ये देखो यहाँ से लेकर के वहाँ पर स्पेस कितना है, बहुत प्यारा मार्केट बना हुआ है। लेकिन मेरा तो काम हुआ नहीं, अब आज इसने बताया ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के बाद जब आएगी 2-3 दिन में आपकी बैटरी चेंज होगी, 3-4 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस फिर मिलते हैं आगे, चलो आपको एक बार मार्केट दिखा देते हैं। वापस और कुछ भी काम नहीं हुआ, जहाँ गए वहाँ पे सब ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ATM में गए वहाँ पैसे नहीं मिले, सर्विस सेंटर पर गए मोबाइल के वहाँ पे बैटरी नहीं थी, तो यहाँ से गए पेट्रोल जलाया वापस आ गए, वैसे के वैसे खाली हाथ वापस आ गए, एक भी काम नहीं हुआ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।